को देखने को मिलेगा। और राजस्थान के किसी भी कलाकार ने ये कभी नहीं सोचा था कि उनके लिए हम गाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं, तो सभी का किसी न किसी रूप में उनसे, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी उनके स्वरूप से आपका दर्शन, आपका दीदार आप रूबरू हुए होंगे। कोई मित्र के रूप में हुआ होगा, कोई ऑर्गेनाइजर के रूप में हुआ होगा, कोई उनके बाल सखा के रूप में हुआ होगा, कोई उनके विद्यालय के काल में हुआ होगा। हम लोग उनके जीवन के किसी न किसी पल के साक्षी लोग बैठे हैं। जब ये समाचार जब ये फैला कि वो नहीं रहे, तो ऐसा लगा कि जैसे पूरी दुनिया, पूरा संसार, ग्रह नक्षत्र, ये संसार, पृथ्वी, हवाएं सब रुक गई। मैं बहुत करीब था उनके, और वास्तव में करीब था। उनके जीवन की कुछ विशेषताएं थी जो शायद उनके गांव के लोग या उनके परिवार के लोग या उनके बहुत करीब के लोग उस बात को जानते हैं। उसमें से एक बात का साक्षी मैं हूं, क्योंकि जब भी मुझे वो फोन करते थे तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात करने के लिए फोन करते थे। और उनकी एक आदत थी कि जब तक फोन रिसीव नहीं होता था तब तक वो लगातार फोन करते थे, भले आधा घंटा घंटा भर। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कालू भाई आप इतने वर्षों से, क्योंकि 2001 के साल से मैं उनके सफर का साक्षी रहा, जब उन्होंने गुरुजी रा शब्द अमोल और काना काकरिया नाम से, जब काना काकरिया को जब उन्होंने दुनिया में लाया था, उसके साथ में उन्होंने अपने गांव के प्रति, वो चाहते तो अपने नाम के पीछे परिहार लगा सकते थे, वो चाहते तो। जब कैसेट पे फर्स्ट बार में जब कैसेट पे लिखा जाता है किसी ऑडियो पर, तो वो उसका सरनेम, वो जो चाहता वही लिखा जाता। फर्स्ट बार में कंपनी पूछती कि आपके पीछे क्या लिखना है, तो वो चाहते तो परिहार लिखा सकते थे या अपने मन से कुछ भी नाम लिखा सकते थे। लेकिन उस आदमी की इस गांव के प्रति श्रद्धा रही कि उन्होंने अपने नाम के पीछे बिखरनिया लिखना तय किया, और इस बिखरनिया गांव को पूरे विश्व के सामने उन्होंने इस गांव को चमका दिया, रोशन कर दिया। उसके बाद में उनकी दूसरी जो विशेषता थी कि उन्होंने अपने शुरुआती दौर में जो कुछ कमाया वो सब अपने परिवार के लिए, अपनी बहनों की शादियां की, अपने बहनों की शादियां की, उनके बाद में अपने भाइयों को सही किया। और इस पूरे कार्यकाल में उनके जीवन के लगभग 15 वर्ष बीत गए, उन्होंने जो कमाया, जो मिला उन्हें। और 2-3 कार्यक्रम का साक्षी ही रहा, क्योंकि उनकी बहन का जब विवाह था तो मैं उस कार्यक्रम में था, या हमारे साहब के यहाँ पर, ठाकुर साहब के यहाँ पे उसका कार्यक्रम रखा गया। 2 वर्ष पहले उनके पिताजी शांत हुए, तब हम उस माता जी उस जागरण में हम आए, तो उसको भी उन्होंने पूर्व कर्तव्य रूप से निभाया। और फिर अभी लॉकडाउन में उन्होंने कहा कि प्रकाश भाई बहुत सुख के दिन जब आए थे तो ये कोरोना नाम का ये दैत्य जो आया वो मेरे जीवन को बहुत मुश्किल में डाल गया। मैं कभी कभी पूछता था, मैंने कालू भाई आपको कुछ भी आवश्यकता हो निःसंकोच आप किसी और को कहें ना कहें, आपका मन हो, लेकिन मुझे जरूर कहिएगा कि मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। आप सभी मित्रों को एक बहुत बड़ी बात में, आप ताली अभी ना बजाएं लेकिन इसके बाद में उनके लिए ताली जरूर बजाएं, कि वो आदमी इतना स्वाभिमानी था, वो आदमी इतना अपने मन से इतना स्वाभिमानी था कि उसने अपने घर के लिए या अपने परिवार के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, उसने किसी के सामने अपने हाथ को यूं नहीं किया। उसको लगता था कि जो मुझे मिलेगा मेरी मेहनत से मिलेगा, जो मुझे गाने के बाद में मिलेगा या मुझे मेरे गायन के बाद में मुझे तोहफा मिलेगा उस पे मेरा अधिकार हो सकता है, लेकिन मैं अपनी प्रसिद्धि का, मैं अपनी योग्यता का या मैं अपने परिचय का मैं किसी भी प्रकार से फायदा उठाऊं। मैंने उनको बहुत बार कहा, एक बार अभी लॉकडाउन में बोला गाड़ी में टायर नहीं है, मैंने कहा मैं भेज देता हूँ, बोले कि नहीं मेरे को बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, जिस दिन मेरे किसी भी कार्य में मेरा जब बस नहीं चलेगा प्रकाश भाई मैं उस दिन फोन करूंगा, उससे पहले मैं इस बात को नहीं करूंगा। ये अपने आप में एक कलाकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप सभी लोग आए हो और वो ऊपर बैठा बैठा हम सभी को बहुत आराम से फकीर के जैसे वो हंसता हंसता हम सबको देख रहा है, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि वो मौज में चला गया, वो मौज में चला गया और वो जीते जी मौज में था, वो जीते जी फकीर के रूप में था,
किसी भी प्रकार के दर्द को उसने व्यक्त नहीं होने दिया, किसी भी पीड़ा को उसने लोगों के बीच में नहीं आने दिया, खुद के घर में, खुद के शरीर में किसी भी प्रकार की तकलीफ है, लेकिन उसने उस तकलीफ को लोगों के बीच में नहीं आने दिया। वो जीते जी फकीर था और आज जहां पर भी है वहां से भी बहुत आराम से हंसते हुए हम सब लोगों को देख रहा है। उनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और आप सभी लोगों ने इस परिवार के लिए जो श्रद्धा दिख रही है उस श्रद्धा को सिर्फ आज नहीं, दो दिन नहीं, महीने भर नहीं, मैं मानता हूं कि उसके लिए यदि सच्ची श्रद्धा हो तो ये बालक जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाए तब तक बार बार संभालें, इनको फोन करें, इनकी कोई भी सुख दुख की बात करें, क्योंकि हमारा ये दायित्व बनेगा जब तक ये बच्चे अपने पैर पर खड़े होकर कुछ नाम नहीं कर ले, कुछ काम नहीं कर ले, तब तक हम सभी लोग इस यज्ञ में अपनी आहुति देंगे। ये मेरा विश्वास है, घोषणाएं किसी प्रकार की करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो चले वो आपका कालू भाई के प्रति, उनके प्रति आपकी सबकी निष्ठा होगी। बस ये दो लाइन मैं इनके साथ में गा लेता हूँ।